दोस्तों स्मार्ट ड्राइव प्रेजेंट करते हैं स्मार्टफोन के लिए एक बेहतरीन मोबाइल होल्डर जो कि आपके कार के डैशबोर्ड पे भी अच्छे से चिपक सकता है। जी हाँ, आपके डिज़ाइन पैटर्न वाले डैशबोर्ड पे बढ़िया चिपकेगा और मोबाइल होल्डर के सभी सेटिंग्स अनबॉक्सिंग के साथ इस वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग से शुरुआत करने वाले हैं। एक छोटा सा बॉक्स आया है प्यारा सा अमेज़ॉन की तरफ से और इसमें है दो अलग अलग सेक्शन। फर्स्ट है मोबाइल होल्डर, सेकंड है सक्शन होल्डर। तो मोबाइल होल्डर के बारे में और जानकारी लेंगे। इसमें पैडिंग दिए हुए हैं, कुछ सपोर्ट नॉब्स जिसमें स्प्रिंग एक्शन है और एक ऑटोमेटिक बटन है। अगर आप सामने से ठीक से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल कैसे फिट होता है। ये दोनों नॉब्स आपने प्रेस करने हैं साइमल्टेनियसली और ये लॉक हो जाते हैं। उसके बाद बीच में एक सपोर्ट के लिए एक अनलॉक बटन है। ये जब मोबाइल यहाँ पे रखेंगे तो ये अपने आप प्रेस हो जाता है और मोबाइल लॉक हो जाता है। इसमें तो बहुत ही ऑटोमेटिक वाला फंक्शन है जिसमें कि आप गाड़ी चलाते समय आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। कोई भी क्रिटिकल सेटिंग इसमें नहीं है, बहुत ही प्यारा है। दो नॉब दबाने हैं और जस्ट मोबाइल इसमें स्लाइड करना है। अब मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी इसमें, जो कि बहुत सारे डिफरेंट हैंडसेट है और उसके लिए चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और सबसे इम्पोर्टेंट हेडफोन जैक के लिए अलग अलग सेटिंग, अलग अलग जगह रहती है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं आपके मोबाइल के हिसाब से। अब देखिए, जैसे कि एप्पल को हेडफोन जैक यहाँ पे है और चार्जिंग का वहाँ पे, तो मुझे ये जगह छोड़ के नॉब लगा सकते हैं जिससे कि मोबाइल नीचे ना गिरे। चलिए अब आइए बढ़ेंगे सक्शन कप की तरफ। ये जो सेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया और स्टर्डी है, इसका बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। आप देख सकते हैं एंगल चेंज करने के लिए एक स्क्रू सिर्फ घुमाना है और इस मोबाइल होल्डर का एंगल आप इससे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे एक्सटेंशन रॉड की तरफ, आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा लूज करना है और ये बाहर निकल आएगा। तो इससे आपको मोबाइल नज़दीक या थोड़ा दूर करने की सहूलियत मिलेगी। मोबाइल होल्डर के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सक्शन कप बहुत सारी क्रिटिकल जगह पर नहीं लगता है, तो एक्सटेंशन होने की वजह से आपको जल्दी से मोबाइल की तरफ हाथ कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मोबाइल होल्डर सक्शन होल्डर से कप के साथ कैसे जुड़ता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और उसके लिए है एक बड़ा एडजस्टमेंट स्क्रू। तो बॉल सॉकेट इसमें डालना है और जैसे कि वीडियो में दिखा गया आप सेटिंग कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट की मूवमेंट टाइट करनी है तो आप इसको घुमा के थोड़ा टाइट कर सकते हैं। देखिए इतना मूवमेंट अभी फ़िलहाल हो रहा है, अगर इसको आप और टाइट करेंगे तो मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पर हो सकते हैं, तो मोबाइल बिना किसी दिक्कत के दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे सक्शन कप की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं नॉर्मल सक्शन कप कभी भी डैशबोर्ड पे नहीं चिपकता है, पर इस स्पेशल सक्शन कप की वजह से आप डैशबोर्ड की जो पैटर्न व्यू है उस पर भी आप इसको चिपका सकते हैं। अब बात करेंगे सक्शन लेवल की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जब इसको लॉक किया है तो यहाँ पे सक्शन खींच चुका है। प्लीज़ इस रबर नॉब को ऑब्जर्व कीजिएगा। अब जैसे कि हम तैयार है लगाने के लिए तो हमने ये खींच लिया है और स्टिकिंग टेप निकाल लेंगे यहाँ का और इसको चिपका देंगे नीचे। चिपकाने के बाद आपको यूनिफॉर्मली उसको लेवल करके दो बार पुश करके आपको उसको टाइट कर देना है। तो ये भी कम्प्लीटली वैक्यूम टाइट हो गया है और आप देख सकते हैं मैं ताकत लगाने के बाद भी ये नहीं निकल रहा है। अब बारी है मोबाइल लगाने की। मोबाइल हमने यहाँ पर लगा दिया है और जैसे कि मैंने कहा था आपको थोड़ा सा हेडफोन जैक और यूएसबी जैक बचा के उसके बाद एंगल सेट कर लिया है पीछे स्क्रू से। अभी बारी है टिल्ट एंगल की। तो ये मेरी तरफ भी मैं ड्राइवर की तरफ खींच सकता हूँ, को पैसेंजर की तरफ मैं भी टिल्ट कर सकता हूँ मोबाइल पूरी तरह से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी। ये देखिए हॉरिजॉन्टल कर लेंगे इसको। अगर आपको मूवी वगैरह देखनी है तो आप हॉरिजॉन्टल ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मैप देखना है तो वर्टिकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये रहती सेटिंग।
अभी एक्सटेंशन की बात करेंगे। अगर आपको स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा सा इसको दूर सक्शन बनाना है तो आप एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी मोबाइल तक पहुँचने के लिए। तो एकदम सिंपल सेटिंग है इसके, आपको थोड़ा घुमा के उसको टाइट करना है बस। ध्यान में रखिए गाड़ी शुरू करने से पहले ये तीनों भी स्क्रूज अच्छे से चेक कर लें, बॉल एंड सॉकेट, एक्सटेंशन और एंगल। दोस्तों आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्मार्टफोन होल्डर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, परचेस लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए या फिर कोई अलग मोबाइल होल्डर आपको ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं और अक्षय सर आप सबसे अभी विदा लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए स्मार्ट ड्राइव। इसके बारे में एक स्पेशल सेटिंग वीडियो लॉन्च करने वाले हैं एक ही हफ्ते में, तो प्लीज़ वो देखना ना भूलिए।